हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में आपके लिए फिर से न्यू लेकर आ गया हूँ। गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि बैटल ग्राउंड के अंदर जैसे कि हम स्कोप लगाते हैं, ये नहीं लेगा आज के बाद। तो गाइज मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें। गाइज अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दी तो गाइज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कि इसमें बैटल ग्राउंड मोबाइल के अंदर जो अपने स्कोप लगाकर जब गन चलाते हैं तो गाइज एनिमी चला जाता है अपने हाथ से और जो हमारी गोलियाँ हैं वो वैसे वेस्ट हो जाती है। तो गाइज क्योंकि स्कोप ज़्यादा हिलता है, तो गाइज मैं यही आपको सेंसिटिविटी सेट करना चाहूँगा कि आप कैसे अपनी सेंसिटिविटी को सही करके रखें ताकि जिससे आपका स्कोप जो है वो बिल्कुल भी हिले नहीं। तो गाइज अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गाइज जरूर बताया करो यार कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी हेल्प हुई या नहीं, क्योंकि गाइज हम तो आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाते हैं न्यू वीडियो। तो गाइज चलो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे गाइज आप लोग जो अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। चलो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि गाइज जैसे कि बेसिक आपको पता ही होगा गाइज की सबसे पहले सेंसिटिविटी आपको सेट करने के लिए बेसिक आपको जाना होगा गाइज अपनी जो बैटल ग्राउंड मोबाइल है उसकी सेटिंग में। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज आप अब देख सकते हैं कि गाइज यहाँ पे आपके पास राइट साइड ऑप्शंस दिखाई गए हैं कंट्रोल और ये जो बाकी पिकअप और ये सेंसिटिविटी। पिकअप से ऊपर देख सकते हैं आप सेंसिटिविटी का ऑप्शन है गाइज, सेंसिटिविटी पर टैप करेंगे जो ऊपर से फोर नंबर पे है। सेंसिटिविटी पर टैप करने के बाद गाइज आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो गाइज अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसमें जो आपके सामने ऊपरी ऊपर जो लो मीडियम हाई मोस्ट यूज स्कोप एक्सपर्ट और ये कस्टमाइज ये जो दिए हुए हैं इस पर आपको कस्टमाइज पर जाना है। कस्टमाइज पर जाने के बाद गाइज आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो गाइज चलो मैं बताता हूँ गाइज, जो आपकी ये थर्ड पर्सन नो स्कोप वाली जो आपको रो दिख रही है इसको आपको 325 से 350 के बीच में, तो आपको इसको बढ़ानी है। तो गाइज आपको इसको कर देनी है 300। गाइज आपको इसको फुल कर देनी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ गाइज कैसे होगा ये। तो गाइज इसको आपको करनी है लगभग 173। ओके, तो गाइज फर्स्ट पर्सन नो स्कोप पे आपको 88 पे होगा। तो गाइज इसको आपको कर देनी है 150, गाइज 150 से 170 के बीच में। तो गाइज अब आप देख सकते हैं रेड डॉट वाला ऑप्शन है नीचे लेफ्ट साइड। तो गाइज ये आपका 48 पे है। तो अगर गाइज आपको इसको कर देना है 100 से लेकर 110 के बीच, तो गाइज ये 2x स्कोप को गाइज आपको कर देना है 95 से लेकर और 100 तक आपको इसको कर देना है गाइज। तो चलो आगे मैं आपको बताता हूँ गाइज, ये जो 3x स्कोप वाला है 3x वाला गाइज आपको कर देना है गाइज, इसको आपको कर देना है 150 से 170। और 4x वाला है गाइज उसे आपको कर देना है, आपको ज़्यादा नहीं करना गाइज, बस 50 से नीचे रखना है 4x वाले को गाइज। और आपका जो 6x वाला स्कोप है गाइज इसको 100 से 120 के बीच में रखना है गाइज, और 8x को आपको बिल्कुल कम कर देना है गाइज, आपको रखना है 120 पे। 8x स्कोप को रखना है गाइज आपको 120 राइट 120 पे। और नीचे देखते हैं तो गाइज अगर ये ADS सेंसिटिविटी अगर आपकी ऑफ की हुई है तो इसे आप इनेबल कर दीजिए, डिसेबल है तो। और इसमें देख सकते हैं आपकी जो नीचे वाली सेंसिटिविटी है वो अपने आप सेट हो चुकी है गाइज, और नीचे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो गाइज इसके अंदर आपको दिखाई देगा कैमरा सेंसिटिविटी फीडबैक लुक। इसमें आपको क्या करना है, पहला 100 कर देना है, दूसरा 70 और तीसरा 100 पे। तो गाइज अब आपको ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो स्कोप पे आपको जाना है। ग्रो स्कोप पे जाने के बाद गाइज आप मेरा इंटरफेस देख सकते हैं, आपको इससे अपना इंटरफेस जो है वो आपका सेट कर देना है गाइज आपको। और करने के बाद गाइज आपको फिर स्क्रीन पे आना है, स्क्रीन पे आने के बाद गाइज आपको फिर नीचे जाना होगा। ये जो आपका ये 6x वाला स्कोप दिया हुआ गाइज ये आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है गाइज, क्योंकि ये 125 पे रहता है लगभग 125-126 पे। तो गाइज आपका जो है वो स्कोप वो बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला है गाइज। तो चलो देखते हैं कि सेंसिटिविटी क्या सेट हुई है या नहीं। तो गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में गाइज जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।